आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा से यमुनानगर में कार्यकर्ताओं में भारी रोष, यात्रा के इंतजार में बैठे रहे कार्यकर्ता। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा चल रही है, जिसकी शुरुआत कालका से की गई थी। यमुनानगर में यात्रा के प्रवेश करने ही कार्यकर्ताओं में भारी जोश था, जो कि कुछ देर बाद रोष में बदल गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा के इंतजार में जैन मार्बल पर बैठे कार्यकर्ताओं को निराशा ही हाथ लगी। बदलाव यात्रा को जगाधरी बस स्टैंड से स्टेशन रोड पर जैन मार्बल के पास ठहराव था, जहां पर अंबाला लोकसभा के उपाध्यक्ष सुशील जैन अपने समर्थकों के साथ यात्रा के स्वागत के लिए बैठे हुए थे, लेकिन यात्रा को जगाधरी से कोर्ट की ओर मोड़ दिया गया और स्टेशन पर ले जाया गया। यात्रा को कोर्ट रोड से स्टेशन की ले जाने से जैन मार्बल पर सैकड़ों समर्थकों में भारी रोष व्याप्त हो गया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दलीप दुर्वा ने आरोप लगाया कि इस प्रकार से पार्टी पुराने वर्करों की अनदेखी कर रही है और नए चेहरों को पार्टी में शामिल करके उनके इशारों पर काम कर रही है। उन्होंने पार्टी को चंद लोगों के पास बेचने का भी आरोप लगाया। इससे आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने आरोप लगाया कि कुछ नए कार्यकर्ताओं द्वारा पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है, जो कि सरासर गलत है और आने वाले चुनावों में पार्टी को इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी में इस प्रकार की गुटबाजी सामने आना कोई नई बात नहीं है। पहले भी कई बार आम आदमी पार्टी के कार्यक्रमों में गुटबाजी खुलकर सामने आ चुकी है। यहां तक कि स्टेज पर कार्यक्रम को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में कई बार भिड़ चुके हैं। इस प्रकार से पार्टी के कार्यकर्ताओं की आपसी गुटबाजी से जनता जनार्दन सब समझती है और चुनाव में सोच समझ कर चुनाव अपना प्रतिनिधि चुनती है। कहाँ से शुरू होना था ये आईडी थोड़ी नीचे कर सर, ये पहले मधु चौक से रखा गया था, तो कुछ लोगों ने सजेशन दिया कि हम लोग अलग अलग जगह से हम लोग पार्टी का वेलकम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ चंद नए जो नए लोग पदाधिकारी बने हैं वो नहीं चाहते कि पार्टी आगे विस्तार करे। यहाँ पे जितना वर्कर खड़ा है, पुराना वर्कर है, जिन्होंने पार्टी बनाने के लिए लाठियाँ भी खाई हैं, जेलों में भी गए हैं और तन मन धन से हमेशा पार्टी के लिए काम किए। हमारे सुशील जैन जी ने हमेशा पार्टी के लिए दान दिया और हमेशा पार्टी के लिए काम किए। अगर उनका भी सम्मान नहीं है तो सॉरी, पार्टी किसी का सम्मान नहीं कर सकती। पैदल दिल्ली भी गए, हम लोग पांच पांच स्टेट में काम कर चुके। पार्टी अगर इतना काम नहीं कर पा रही तो फिर और क्या करेगी हमारे। तो आपने चित्रा जी से फोन पे भी बात की है? जी मैम। क्या रहा? उन्होंने कहा जी मैडम, हमारे मेरे पास जितने भी मैसेज आए हैं सारे ही मधु चौक के आए हैं। हालांकि जो संदीप पाठक जी के टीम के निशांत जी हैं, जो लोकसभा ऑब्जर्वर बना रखे हैं, वो आधा घंटा पहले आए थे। उन्होंने हमें विश्वास किया दिलाया था कि यहीं से होके जाएगी। हमने उनको कहा था कि हमने सिर्फ वेलकम करना है, वेलकम करते ही हम साथ चलेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं गए। अब हमें ये जवाब दिया जा रहा है कि आप पहली तरफ से आ जाइए। तो मैडम 150-300 लोग खड़ा है तो कैसे लेके जाए? रूट तो यही है, 1.5 किलोमीटर दूर से किसी चंद व्यक्ति के कहने पर ना ये पार्टी को गुमराह कर रहे हैं, पार्टी को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि पार्टी जो है पहले बहुत अच्छी चल रही थी, पंजाब रिजल्ट के बाद चंद लोगों ने पार्टी को ना हैक करने का काम कर रहे हैं, पार्टी को गुमराह कर रहे हैं, पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब पहले से पार्टी का रूट यही था गरसैन चौक से मधु चौक, आप भी पत्रकार साथी हैं सभी, और यहाँ के जो जिला के जो हमारे कार्यकर्ता हैं सभी पुराने हैं, आप सभी को रूट का भी पता है कि जो मेन रूट मधु चौक का है वो अग्रसेन चौक से है मेन। ये किसी चंद व्यक्ति के कहने पे वो अपने आप को हाईलाइट करना चाहता है, बहुत बड़ा नेता बनना चाहता है, वो कोर्ट रोड से घूम गया लेके। तो दिलीप दरबार ये कौन घूम गया लेके वहाँ से? ये आप सभी जानते हैं, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, सबको पता है पार्टी को गुमराह करना चाहते हैं। पंजाब रिजल्ट के बाद सिर्फ टिकटधारी आए हैं, जो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, और वो चुनाव भी इस पार्टी से नहीं लड़ेंगे। मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ, वो चुनाव भी किसी और पार्टी से लड़ना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें अरविंद केजरीवाल, मुझे तो लगता नहीं अरविंद केजरीवाल जी की नीतियां तो ऐसी है नहीं, वो ऐसे लोगों को आगे लाएंगे, क्योंकि ये जो पार्टी को नुकसान करने का काम कर रहे हैं, रूट ये था, इन्होंने रूट को जानबूझकर डाइवर्ट किया किसी चंद एक दो व्यक्ति के कहने पर। तो आप लोग जो खड़े हो कितने सालों से जुड़े हो, कितने? हम तो भाई साहब आप आंदोलन से काम कर रहे हैं पार्टी के लिए। 26 नवंबर 2012 में जब पार्टी बनी थी तब से बहन जी हैं। हम लोगों ने अन्ना आंदोलन से काम किया, अन्ना आंदोलन में लाठियां भी खाई है, जेलों में भी रहे हैं, उसके बावजूद भी ये हालात। अब ये चित्रा बहन जी कह रही हैं हमारी बड़ी नेता हैं, हरियाणा की उपाध्यक्ष हैं, ये बहुत बड़ी नेता हैं। कुछ लोग आज से ही अपने आप को टिकट का दावेदार मानते हैं, लेकिन आज अगर पार्टी उन्होंने स्टाम्प पेपर पर लिखवा लेके टिकट नहीं मिलेगी तो चंद अगले
अगले दिन ही वो दूसरी पार्टी में कांग्रेस में चले जाएंगे या किसी और में जाएंगे। चलो बहन जी बड़ी नेता है चित्रा सरवारा जी, उनके साथियों को भी मैसेज गया था पार्टी की, जो संदीप पाठक की टीम है उनको कल का मैसेज कर क्या, उन्होंने लोकेशन भी मंगवाई थी, एक का नाम तो निशांत है, एक का नाम मोहित है सेंट्रल, वो देख अभी एक घंटा पहले यहीं आए थे, कुछ पत्रकार साथी मिले भी हैं उनसे, बातचीत भी हुई है, हमारे जिलाध्यक्ष भी आए थे, वो 10-20 मिनट बैठ के भी गए हैं, वो देख के भी गए हैं भाई इतने साथी हैं वो, पर इन्होंने कुछ ना कुछ ले दिए रखे होगा। दड़वा जी आप जिला अध्यक्ष कौन है, उनका नाम क्या है? हमारे जिला अध्यक्ष तो गगनदीप बना रखा है। अच्छा जी, तो वो यहाँ पे आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? वो तो चुपचाप आए और यहाँ देख कर नमस्ते भी नहीं करी किसी से, राम सलाम नहीं करी किसी से, पूछा नहीं, यानी जिला अध्यक्ष का मतलब है जिले को लेके चलना, और कोई भी चाहे लोकसभा का अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष है या जिले का कोई पदाधिकारी है, उसका काम है जिले के लोगों को जोड़ के चलना, जो पुराने साथी हैं उनको उन्हें सुनना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते उनसे, और अब जो पद भी डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं उनमें भी फॉर्मेलिटियाँ पूरी की गई है, एक चंद व्यक्ति के कहने पर सारी चीज़ें दी जा सब जिला अध्यक्ष को ये नहीं पता सर, चुनाव है जिला अध्यक्ष बनाया पता नहीं किस मिहाप पे आ। मैडम आपका पद क्या है आम आदमी पार्टी में? सर मेरे पास, मैं पार्टी की सीनियर नेता हूँ, पहले मेरे पास लोकसभा अध्यक्ष, मैं जोन की अध्यक्ष रही हूँ, काफ़ी सारे महत्वपूर्ण पदों पे भी रही हूँ, पार्टी के ऑब्जर्वर भी रही हूँ, पार्टी के स्टार प्रचारक भी 2018 में रही हूँ, और अंध आंदोलन से पार्टी के लिए मैंने काम किया है, और 18 मुकदमे झेल रही हूँ आज भी। मैडम आगे का फैसला क्या लिया जाएगा पार्टी के बारे में? पार्टी के हाई कमान से हम लोग बात करेंगे, क्योंकि इस तरह से गुंडागर्दी नहीं चलेगी, पार्टी की विचारधारा सभी को साथ लेकर चलना, ना कि चंद लोगों के साथ लेकर चलना। ठीक है, पार्टी का कुछ नहीं होने का जी।